नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर विगुल बच चुका है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में चुनाव 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को होने वाले हैं, जिनमें 11 जिलों में 10 फरवरी को पहले चरण के चुनाव होंगे। उनमें से एक बुलंदशहर भी है और आज हम बुलंदशहर में ही मौजूद हैं। जानेंगे यहाँ की जनता से कि आखिर क्या उनका रुझान है और किसको आगे उम्मीदवार देखना चाहते हैं। यहाँ की जनता है, पूछते हैं इनसे कि आखिर किसको उम्मीदवार देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। किसको उम्मीदवार देखना चाहते हैं? योगी जी। क्यों? उनके काम को लेकर। क्या क्या काम, क्या काम किए गए? इतनी योजनाएं आपको ही मालूम है इसके बारे में, तो काम बताइए कुछ, दो चार काम बताइए। सर एक काम हो तो बताएं, बहुत काम कराए हैं। बहुत काम किए, खुश हैं योगी जी से यहाँ की जनता। और उस लोगों से पूछेंगे कि आखिर उनका क्या रुझान है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र, SBI से। बीजेपी को ही देंगे क्योंकि इस बार बीजेपी ने किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। 2000 रुपये वो भी किसानों को दे रहा है, उसके बाद में और काफ़ी योजनाएं हैं। उम्मीद यही है कि बीजेपी आएगी, काफ़ी अच्छा काम किया है, यूपी में भी किया है, देश में भी हो रहा है अच्छा काम बीजेपी के हिसाब से। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी अच्छा है। खेल में अभी देखिएगा, खेल में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे कि खेलो इंडिया अभी बीजेपी ने चलाया था, अच्छा रुझान है। उसमें भी काफ़ी खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और भविष्य भी अच्छा है उसी से। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ काम नहीं किया है। विपक्ष तो कहता है, ये विपक्ष होता ही इसलिए है, बोलते ही वो तो। आप बताइए आपका क्या नाम है? बंटी कुमार। अच्छा, कितने खुश हैं बीजेपी से? बहुत खुश हैं हम तो। क्या काम किए हैं, किस लिए खुश हैं? अच्छा काम किया है, हमको राशन दिया है, सारा कुछ काम किया है उन्होंने। क्या काम नहीं किया उन्होंने? विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि ये काम, विपक्ष तो बोलते ही हैं, वो तो बोलेंगे ही क्योंकि आज तक किसी सरकार ने करा, आज तक हमको जो पक्ष मिला है आज तक नहीं मिला, जो सरकार ने इसने किया है ना आज तक नहीं मिला। अच्छा, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि क्रेडिट खाऊ है बीजेपी सरकार, जो हम काम करते हैं उसका क्रेडिट ले लेते हैं। क्या उन्होंने दिया था? उन्होंने दिया था ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। यानी विपक्ष जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, इस सरकार में बहुत कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये सरकार की ये कह रहा हूँ बहुत कुछ किया है। और जानेंगे लोगों से कि आखिर उनका क्या रुझान है, किसको देखना चाहते हैं बुलंदशहर की सीट से। सर क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राम कुमार साहब। अच्छा, कितने खुश हैं यहाँ की मौजूदा सरकार से? बीजेपी से हम नहीं, पूरी जनता खुश है। किस लिए, क्या क्या अच्छे काम किए हैं बीजेपी? योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे काम किए हैं और जो विपक्ष बोलता है सब झूठ बात। सरकार हमारी योगी जी की आएगी, 101% आएगी। योगी जी की सरकार आएगी, योगी जी के कामकाजों से खुश हैं यहाँ की जनता, देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा। अच्छा, कितने खुश हैं, किसको चाहते हैं उम्मीदवार देख? मोदी को, ओ योगी जी को। क्यों क्यों, कितने कितने कामों को लेकर? भैया सालन हो गई, फ्री खवाते खवाते बहुत खुश हैं और आनी भी वही चाहिए, बहुत अच्छे हैं। वोट वोट किसको देंगे इस बार? मोदी कुबा को देंगे, योगी को। देखा यहाँ, चाहे दसन के अगाड़े कहवा लो, चाहे दुनिया का अगाड़े कहवा लो, चाहे अकेले में कहवा लो, योगी जी से खुश हैं यहाँ की जनता। और लोगों से पूछते हैं कि आखिर और उनका क्या रुझान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अच्छा, यहाँ के कामकाज से कितना खुश हैं सरकार के द्वारा किए गए कामकाज? बहुत खुश हूँ मैं तो, पर मैं योगी जी को ही वोट दूंगा और मोदी जी को, उनके कामों से बहुत खुश हूँ मैं। इस बार चुनाव में योगी जी को वोट देंगे? जी। स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार को लेकर खुश हैं? खुश हैं, उनको बहुत रोजगार दिया हमें को उन्होंने बहुत ज़्यादा, इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। जनता का कहना है कि रोजगार मिला है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं और
तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ की जनता खुश नज़र आ रही है मौजूदा सरकार से, और पूछते हैं और लोगों से कि आखिर वो क्या चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? नंद किशोर। कितने सर कितने खुश हैं यहाँ की सरकार से? मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि जिसके राम मंदिर निर्माण करा दिया योगी जी ने, जिसके लड़ाई झगड़े में पता ना 20,000 आदमी मारे गए 25 मारे गए और किसी समस्या हल नहीं हुई, राम मंदिर निर्माण करा दिया, सारे काम अच्छे हैं, राशन दे रही है गरीब जनता को, सबको साथ लेकर चल रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तो कहता ही है, वो विपक्ष होता ही इसलिए है, वो एक दूसरे की बुराई करते ही हैं। इस बार वोट योगी जी को जाएगी? योगी जी को जाएगी बिल्कुल। बुलंदशहर की जनता का रुझान यही है कि इस बार योगी जी आने चाहिए और योगी जी के कामकाजों से लगातार खुश नज़र आ रहे हैं। बुलंदशहर में पिछले बार का अगर ग्राफ देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 1,15,000 वोटों से वीरेंद्र सिरोही ने भारी जीत हासिल की थी। बिगेस्ट कॉम्पिटिटर जो रहे थे वो हाजी यूनुस रहे थे बसपा से, दूसरे नंबर पर उन्होंने लगभग 85,000 से 90,000 वोट हासिल की थी। लेकिन बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा सीट आई थी। यहाँ पर देखा जाता है अभी भी सातों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं और बीजेपी को खासा रुझान यहाँ पर मिलता है। लोग बाग बीजेपी के कामकाजों से खुश रहते हैं, बीजेपी के खाते में ही सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर मिलती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ाद। किसको वोट देंगे इस बार? इस बार अखिलेश को। क्यों? क्योंकि कारोबार मजदूरी ख़त्म है, कारोबारी ख़त्म है, कम से कम ऐसा युवा करना चाहिए जो कारोबार भी हो, खाने पहनने को भी हो। अब खाली राशन दे रहे हैं, राशन से ही थोड़ा ही गुजारा हो रहा। कह देते हैं कि वो बहुत बहुत मोदी बहुत कुछ दे रहे हैं, मोदी योगी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन योगी जी ये नहीं देख रहे हैं कि किसका परिवार कैसा चल रहा। लेकिन मकान वगैरह और अन्य योजनाओं से तो लाभान्वित हो रही है ना? लाभान्वित हो रही है तो वो एक बात बताओ, जब रोजगार ही नहीं होगा तो मकान क्या खाने को देगा, परिवार को कैसे चलाएंगे आगे? रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कहाँ है? तो इस ना खुश हैं आप बीजेपी से? बिल्कुल ना खुश हैं जी। किसको? अखिलेश यादव को? बिल्कुल अखिलेश यादव को देंगे। देखिए नाराजगी व्यक्त किए हुए हैं और अखिलेश यादव को वोट देने के लिए बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव को ही वोट देंगे, रोजगार नहीं मिला है इस सरकार में। और लोग हैं इनसे जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सनी कुमार। अच्छा वोट बन गई है आपकी जी। किसको वोट देंगे? नवयुवक का पहली बार वोट देने जाएंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगे? क्यों? क्योंकि उसने सारी इज्जत तो घर ही ला के धर दी, सिलेंडर फ्री दे दिए, सारी चीज़ आपके लकड़ी बीनने जाते थे अब तो वो भी नहीं हो रहा, अब तो घर ही रोटी वोटी, अब तो सिलेंडर घर ही सोते। खुश है यानी बीजेपी से? बीजेपी से खुश है, नवयुवक है, पहली बार वोट करेंगे और लगातार यहाँ पर योजनाओं को गिना रहे हैं उनकी, बीजेपी के द्वारा की गई योजनाओं को कि लाभ मिला है। हमारे साथ अब कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं का रुख जान लेते हैं कि आखिर उनका रुझान किस तरफ है और किससे कितना खुश है, इस बार वोट किसको जाएगी। क्या नाम है आपका? कविता। किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को। योगी को? योगी मोदी। क्यों? अच्छे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, अच्छी सहायता कर रहे हैं, सिर को ढक रहे हैं। हाँ कामकाजों से खुश हैं उनके? बढ़िया। और आपका क्या नाम है? दया। अच्छा किसको वोट देंगे इस बार? आदित्यनाथ योगी। किस लिए? कितने खुश हैं उनके कामकाजों से? पूरे उत्तर प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं, सबके परिवार में बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सारा आतंक खत्म हो गया यूपी का, सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी है, बहुत अच्छी सरकार है। यानी महिलाओं के लिए सुरक्षा है इस जी, लड़कियां खुलेआम घूमती हैं, कोई डर नहीं है, हम लोग भी खुलेआम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सफ़र में जाते हैं, बहुत अच्छे से, जो डर था वो सब खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ पर योगी सरकार के कामकाजों से महिला सुरक्षा पर खास तौर से बात करी है, महिला सुरक्षा बहुत अच्छे तादाद में है यहाँ पर और इस बार अब जो महिलाएं हैं वो खुलेआम घूम सकती हैं, ऐसा इनका कहना है। और जानते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा किसको वोट देंगे इस बार? योगी मोदी। क्यों? बढ़िया कर रहे हैं यूँ। क्या क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? कितने रोजगार मिले हैं? राशन दे रहे हैं, खाने के ताई सब कुछ कर रहे हैं। और जानेंगे कि क्या उनका रुझान है। क्या नाम है आपका? राम प्यारी। किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को। क्यों? योगी को। खुश है उनके कामकाजों से? हाँ, खुश है। यहाँ के विधायक से उनके किए गए कामकाजों से कितना खुश है?
सब कुछ खुश है, बढ़िया सारे काम बढ़िया है। आप बताइए आपका क्या नाम है? गायत्री। अच्छा कितने खुश हैं आपके काम काजों से? और खुश से तो कोई आए सभी हर बात का से खुश हैं हम लोग तो है? कमी किस चीज की है? रोजगार जो भी है वो सही है, और कोई भी है जो भी जो हालत हमारे देश की थी इस समय कोरोना के कारण, उस कारण गरीबों को राशन देना बहुत बड़ी बात है, गरीबों का पेट में देना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है इंसान को, इसलिए हमारा उनके लिए सहयोग है योगी। अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार इन पर क्या कहना चाहिए? कितनी अच्छी हैं यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, हर विकार से हर समाज से बहुत ही अच्छी। देखिए महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का खासा रुझान अभी तक जो देखने को मिला है वो योगी की तरफ ही, यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ ही देखने को मिला है, और उनका इनका कहना है साफ तौर पर कि इस बार जो वोट जाएगी वो योगी के खाते में ही जाएगी, और इनके कामकाजों से तमाम जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य सेवाएं हैं रोज़गार हैं इनसे लगातार खुश नज़र आ रही हैं। बुलंदशहर से शिवांग शर्मा, प्राइम टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी की चुनाव यात्रा के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में। हम आज निकले हैं महोबा विधानसभा के कबरई कस्बे में। कबरई आपको बता दें कि पत्थर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और एक समय था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व कबरई मंडी से जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की कुछ नीतियों की वजह से कबरई मंडी ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो आज बात आचार संहिता लगने के बाद चुनावों की कर लेते हैं कि आखिरकार जनता का क्या मूड है। उत्तर प्रदेश में कल का दिन इस्तीफा डे के नाम से भी अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार बंगाल का खेला होबे जो एक चला था नारा वो उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुका है, और सपा में मेला हो रहा है, भाजपा का खेला हो रहा है। लगातार कई मंत्री और विधायक इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो रहे हैं, और भाजपा से लगातार विधायक और मंत्रियों के जाने का सिलसिला बीते दो दिनों से बदस्तूर जारी है। लेकिन इसके बावजूद हम ग्राउंड पर लोगों से बात करते हैं, और यहाँ युवा की भीड़ लगी हुई है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या इस बार बीजेपी का खेला और सपा का मेला वास्तविकता में वोट में तब्दील होगा, और यूपी की गद्दी पर कौन इस बार बैठेगा। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार? अरे यार योगी जी ने बहुत काम किया है, आप कह रहे हैं सपा किया है कि वो कह रहे हैं हमने बहुत काम, सिलेंडर दिए, आवास दिए, शौचालय दिए, दिया तो है योगी जी ने किया, काफ़ी काम किया है। हाँ किसकी आना चाहिए सरकार, क्या लगता है? एक बार सपा की सरकार आना चाहिए। अच्छा सपा की पक्का? प्रियंका गांधी आई थी यहाँ बहुत बड़ी रैली करके गई थी, पता है कोई असर पड़ेगा? अभी तो समझ में नहीं आ रहा, सपा की लहर अच्छी दिखाई है। अच्छा सपा की लहर है। अच्छा आपका क्या नाम है? प्रकाश गुप्ता। ये बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार हमें ये लग रहा है कि सपा की सरकार पूर्व बहुमत से आएगी। पूर्व बहुमत से आएगी बिल्कुल, योगी जी कह रहे हैं हम 350 सीट से ऊपर आएंगे। सपने तो हर आदमी को देखने का अधिकार है ना। अच्छा वो भी देख रहे हैं, देखने दीजिए हकीकत तो सामने आ ही जाएगी। अच्छा प्रियंका गांधी आई थी अभी बहुत बड़ी रैली की थी, क्या लगता है कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा प्रियंका गांधी के आने से? कांग्रेस सरकार में आ पाएगी? यहाँ सरकार में तो नहीं आ पाएगी, लेकिन संभावना थोड़ी बहुत लग रहा है कि 5% हो सकता है जनाधार बढ़ जाए। अच्छा बढ़ेगा? हाँ थोड़ी बहुत बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है योगी जी ने बहुत काम किए हैं? वो कह रहे हैं हमने योगी जी ने जो भी काम किए हैं केवल हवा में काम किए हैं, जमीन में कोई काम नहीं होगा। अच्छा कह रहे हैं अखिलेश यादव नहीं आएंगे, योगी आएंगे, वो कह रहे 350 सीट आएंगी हमारी। वो मायावती कह रही थी अभी के कानून व्यवस्था के मामले में हम लोग बहुत अच्छे रहे, और मैंने एक बयान सुना था बीएसपी महासचिव राष्ट्रीय महासचिव का, वो कह रहे थे इस बार बहन जी प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने के लिए कभी प्रयास करें, क्या लगता है इस बार? पूरे प्रदेश के बारे में तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन रोजगार के मामले में कबरई में रोजगार इतना था एक टाइम पे कि यहाँ पर कोई भी आदमी खाली नहीं घूमता था। अब यहाँ पर किसी के पास भी कोई रोजगार नहीं बचा हुआ है, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो रोजगार था वो भी खत्म हो गया यहाँ। अच्छा इस बार फिर साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी, बहुत तेजी के साथ दौड़ेगी। अच्छा अच्छा आपका क्या नाम है? राम प्रसाद निषाद नाम है हमारा। अच्छा ये बताइए इस बार क्या क्या लगता है आपको यूपी में? हमें तो ये लगता है कि सपा सरकार बनेगी। अच्छा। और पूर्ण बहुमत से बनेगी,
और 300 के ऊपर सीटें लेकर के आएगी हमारी समाजवादी पार्टी। योगी जी ने बहुत काम किए हैं, सिलेंडर दिए, आवास दिए, शौचालय दिए, राशन दिया, वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किए, 350 आएंगी हमारी। अरे कहते हैं तो कहने से थोड़ा 350 आएंगी भाई, क्योंकि जिसको सिलेंडर दिया ये सब हवा हवाई है, उसमें सब वसूली हो रही है। और जिसको जो है सपा को गुंडों की पार्टी कहा जाता है, गुंडा राज बताते हैं, गुंडा राज होता है सपा सरकार। 2022 में देख ले कि गुंडा राज है, सपा इसी में है सबसे गुंडा राज। कोई जो है पब्लिक का काम नहीं हुआ, मारा मारा फिर रहे, देखो मंत्री का रेला लगा हुआ इस्तीफा देने का, भाग रहे हैं सपा में आ रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये बीते दो दिनों से लगातार मंत्री विधायक इस्तीफा देके और मैं भाजपा से भाग रहे हैं, क्या तो क्या लगता है ये माहौल मौसम बदलने का दिख रहा है क्या बदलाव? 5 साल काम करते रहे तो ये जो है ऐसे दबे कुचले रहे, ऐसे दबे कुचले रहे कि इनको जो है एक एक सांसें गिननी पड़ती रहे कि हम किस समय जो है आचार संहिता लगे तो हम भागे इधर से, और जैसे आचार संहिता लगी तो ये लोग जो है सब सब सबका सब दामन थामने की बात। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम आधी आबादी की बात कर रही हैं, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, और बेटियों को स्कूटी टैबलेट देने का बड़े वादा किया है उन्होंने, क्या लगता है यूपी चुनाव में? यूपी चुनाव में देखिए जो ICU में पार्टी पड़ी हो उसका कोई बहुमत नहीं है, फिर प्रलोभन से जनता आने वाली नहीं है। यहाँ योगी सरकार तो 1 किलो चना 1 किलो नमक और डालडा बांट रही है। योगी सरकार में आपके यहाँ कबरई प्रॉपर यहाँ कोई काम हुआ है आपको लगता है? यहाँ रोजगार हमारा कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। हमारा तो यहाँ तक कि हम IAS अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते झक गए, मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमने जो आवेदन किया पोर्टल में भी बताया, पर आज तक कोई काम नहीं हुआ और ना उसकी सुनवाई हुई। रोजगार के मामले में कबरई में कोई रोजगार सरकार? रोजगार कुछ नहीं है, 5 साल से जो वैकेंसियाँ लड़कों की निकली है वो भी एक भी लड़का यहाँ हो गया हो 5 साल में, कितनी भर्तियाँ की इन्होंने, वो कह रहे हैं हमने पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। 2019 में जो इंटरव्यू हुए थे वो भी लड़के जो है आज भी उनकी लिस्ट नहीं जारी हुई है। लीक सरकार है, लीक सरकार, बिल्कुल लीक सरकार है और कोई काम नहीं। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, खास करके विकास के नाम पे, जाति के नाम पे, या राष्ट्रवाद के नाम पे, या हिंदू मुस्लिम के नाम पे, क्या मुद्दों के? देखिए, राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम के नाम से नहीं रहेगा, बल्कि जो है हिंदुओं का नाम का मुद्दा रहेगा, विकास के नाम का मुद्दा रहेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो है पर हमेशा जो है बिजली जो है जो बिल आता है उसका कह दिया हम सफाया कर देंगे। योगी जी ने भी बिजली बिल आधे कर दिए हैं, आपको पता है अभी? जी हाँ, आप किए हैं। हाँ। पर मार्च करके किया, मार्च के बाद 3 महीने बचे थे जब किए हैं, मार्च के बाद उनको 4 गुना कर देना है। आप नहीं माने जो किसानों का बिल माले अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। प्रियंका गांधी भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, मायावती भी नहीं, पूर्ण बहुमत से आएंगे। अच्छा, आप दादा आप बता दीजिए क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार साहू है। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? बहुत अच्छा है। किसका है, कौन आ रहा है? अखिलेश यादव आ रहा है। बीजेपी ने योगी जी ने बहुत काम किए हैं, गुंडा राज खत्म कर दिया, माफिया पर बुलडोजर चलवा दिए। माफिया देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अच्छा, और बाकी मंदिर भी वो कह रहे हैं हमने बनवा दिया, वो कोर्ट से बनाया ना सर, सुप्रीम कोर्ट से बनाया, कोर्ट के आदेश। रोजगार के मामलों में सरकार दावे, आपको क्या लगता है कि यहाँ आपके स्थानीय स्तर पर रोजगार के कोई अवसर बने हैं? एशिया की सबसे बड़ी क्रेशर मंडी है, 500 क्रेशर है, आज 50 क्रेशर भी बामुश्किल नहीं चल पा रहे हैं, ऐसी नीतियाँ रही योगी जी की, क्योंकि विभाग इन्हीं के पास रहा। अच्छा, आप एक चीज बताइए, ये आपके जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने यहाँ कोई काम किया है? कोई काम नहीं, कभी आते हैं क्षेत्र में मिले, किसी गांव में जाते नहीं, नहीं गए, देखने नहीं जाते, शक्ल नहीं जानते हैं लोग, पहले बसपा से बने हैं, इस बार बीजेपी से बने हैं, किसी गांव में जाते नहीं, हमारे जानते हैं चेहरे पे अखिले से आएंगे, योगी जी नहीं आए, लगता है आपको काम नहीं किया? अरे 100% सर, मुद्दे क्या रहेंगे? अच्छा, मुद्दा बता दीजिए। देखिए, ये जो दे रहे हैं नमक चावल और दाल, ये जो अभी जो है ये मार्च तक के लिए दे रहे हैं, नमक घुल नहीं रहा, नमक क्या दे रहा है, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं दे रहे हैं? इनकी सरकार मध्य प्रदेश में, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ क्या गरीब नहीं है? बिजली बिल आधे कर दिया, अलग से प्रसर का लाना। अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि ये जो स्कीम इन्होंने मार्च तक के लिए बोला है कि हम पूरे 5 साल गरीबों को देंगे, और 1500 रुपए हम जो है वो देंगे, क्या नाम करके पेंशन देंगे, जो समाजवादी पेंशन थी ये 1500 तिगुना कर दिया है, ठीक,
युवाओं को लैपटॉप देंगे। योगी जी ने बिजली बिल आधे कर दिए, पता है आपको? योगी जी ने बिजली बिल आधे तीन दिन पहले किए, आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले, 300 यूनिट बिजली अखिलेश भैया ने बोल दिया है। जब सरकार खत्म हो गई, जब सरकार खत्म हो गई, जब किया, जब सरकार खत्म हो गई, और आपका किसानों का बिजली बिल पूरा माफ, और किसानों को बिजली देंगे, और हर घर को 300 यूनिट बिजली की। अच्छा, आप एक चीज, अच्छा एक चीज बताइए, चलिए उन्होंने घोषणा कर दी, आप क्या चाह, आपको क्या लगता है आपके स्थानीय स्तर पे क्या माहौल है, लोग क्या चाह रहे हैं? सर बिल्कुल एक तरफा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी यार बिल्कुल एक तरफा सर, चल रहा है अभी लखनऊ में भाजपा में खेला, सपा आज, में मेला, सही है क्या? अभी सैनी जी ने इस्तीफा दे दिया, तो आप लखनऊ में चल रहा है जो भाजपा में खेला सपा में मेला, वो साकार होगा या वोट में तब्दील होगा? अच्छा, आप, आपका क्या नाम है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक बात बताइए, क्या लगता है आपको यहाँ पे इस बार? यहाँ पे ना तो कमल रहेगा, ना हाथी रहेगा, ना पंजा रहेगा, साइकिल ही रहेगी, साइकिल रहेगी। आप सब लोग साइकिल साइकिल कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं हमने इतना काम किया है, मेरी बात प्रियंका गांधी ने, प्रियंका गांधी जो कहती है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो औरत है। अच्छा, लड़की का नारा ना दें, वो औरत, क्योंकि उसकी बच्ची भी है। अच्छा, कोई कह दे वो लड़की है। आप ये बताइए, यहाँ स्थानीय स्तर पे आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? क्या स्थानीय स्तर पे यहाँ क्या माहौल? स्थानीय स्तर पे इसका नाम बदल दिया हाईवे का, NH 86 था 32 कर दिया उन्होंने, NH 86 था 32 कर दिया उन्होंने। अखिलेश आएंगे कि योगी की, प्रियंका, अखिलेश, मायावती? अखिलेश के कार्यकाल में जो विद्यालय बने थे उसमें अध्यापक नहीं है, लोग भर्ती कर पाए। अब वर्तमान में अभी चले जाइए वही में उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठा पाए, और उसी के बगल में विद्यालय बना हुआ, अध्यापक नहीं बैठा पाए। अच्छा, आप एक चीज बता, 5 साल में आप एक चीज बता दीजिए, वो कह रहे हैं, अन्य दलों के भी लोग कह रहे हैं, हालांकि लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं, सपा के गुंडराज को खत्म कर दिया हमने, और जो इनके जो माफिया थे उन पर बुलडोजर चलवा दिया। सबसे ज्यादा गुंडे तो बीजेपी में। अच्छा, सबसे ज्यादा गुंडे तो बीजेपी में। अखिलेश आएंगे, पूर्ण बहुमत में आएंगे, और जो वादे किए हैं 5 साल पूरे वादे उनके चलेंगे। अच्छा, ये नहीं कि आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले हम घोषणा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक और, अभी क्या नाम है आपका? यादव, समाजवादी पार्टी नेता। अच्छा, आप सपा के नेता जी हैं, इसलिए बुलवा रहे हैं कि अपने समर्थकों से? हमने लोगों ने बुलाया, आपको देख के ये लोग आए। अच्छा, ऐसा है, ये बताइए, लोग जनसभा देख के आए हुए कि आप पत्रकार हैं? चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए क्या चल रहा है आपके यहाँ, लोग बाहरी दल आ रहे हैं? बंगाल में खेला हुआ था, यहाँ खदेड़ा हुआ। सही, सही होगा खदेड़ा। एक चीज बताइए, आपको लोग कह रहे हैं गुंडों की सरकार है आपकी सपा सरकार, माफियाओं की सरकार है, वो कह रहे हैं हमने बुलडोजर चलावा दिए माफियाओं की प्रॉपर्टी पर, और गुंडराज खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, गरीबों को खाद्यान्न दे रहे हैं, शौचालय दिया, आवास दिया, सिलेंडर मुफ्त दिया। कबरई में इंद्रकांत त्रिपाठी की जो हत्या हुई थी, यहाँ IS PCS पाटीदार SP, उससे बड़ा गुंडा कौन है? अच्छा, बताइए इंद्रकांत त्रिपाठी क्या था? उसने वीडियो वाला किया नहीं किया, आपने सुना देखा उसका क्या हुआ पाटीदार का? सपा सरकार में नेता गुंडा, BSP कांग्रेस में कोई गुंडा नहीं सपा सरकार में, तो कह रहे हैं सपा में नेता गुंडा है, आप कह रहे हैं भाजपा में अधिकारी गुंडा, जो वो कहते हो कम करते नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए क्या लगता है आपके स्थानीय स्तर पर, यहाँ सरकार ने कोई काम किया है रोजगार के लिए या विकास के काम को? की सबसे बड़ी मंडी है, 500 प्लांट लगे हुए हैं, आप ये जानकारी कर लीजिए कि कितने प्लांट चालू है। अच्छा, 30 से 40 प्लांट चालू हैं, उन पे भी लोन है 1 करोड़ का, वो भी मजबूरी में चला रहे हैं, इसकी जानकारी आप करा ली। उन्होंने पेट्रोल बंद करने का काम किया, साइकिल आपकी दौड़ेगी फुल बहुमत सर, थोड़ा एक मिनट फुल बहुमत में। अच्छा भैया, ये आए हैं सर, सर सर, थोड़ा सा एक मिनट बात कर। क्या नाम है आपका? रामू शिवरे। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, नेताजी को देख के तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं, हम वैसे ही। अच्छा, तंग है। अच्छा दादा, दादा एक मिनट सुनिए थोड़ा, दादा आ रहे हैं, देखिए ग्रामीण है, इनसे बात करते हैं आखिरकार। दादा क्या नाम है आपका? ये तो हमारा सहपाठी है, क्लास 5। कहाँ से आए हैं?
अरे ये बताइए, इस बार क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? साइकिल वाले, कमल वाले, हाथी वाले, पंजा वाले, किसकी आना चाहिए? अखिलेश का करा। यहाँ तो भैया सभी सभी अखिलेश अखिलेश वाले हैं। और आप और लोगों से बात करते हैं भैया, थोड़ा आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए, इस बार क्या लगता है आप, किसकी सरकार आना चाहिए? अखिलेश, योगी जी ने बहुत काम किया है, वगैरह हमने बहुत काम किया है, क्या काम किया आप बता दीजिए। हमने छात्रों के लिए पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था बनाई है, और सपा में तो गुंडों पर आज का माफियाओं का था, भ्रष्टाचार था, डीएसपी में भ्रष्टाचार था, सबसे अच्छे वो कह रहे हमें सपा में क्या था, कोई गरीब की अत्याचार होता था तो किसी नेता को फोन लगाता था या बुलाता था तो नेता बोलता था, वो गुंडागर्दी होती है, ठीक है। बीजेपी में क्या हो रहा है कि नेता को फोन लगा तो फोन ही नहीं उठता है, पहली चीज क्या है, गरीब पिस रहा हो, कुछ हो रहा हो, कोई आजकल राकेश गोस्वामी है, आज तक कहीं किसी ने कोई नेता नहीं आया, अच्छा आप ये कहीं नहीं थे। मैं महोबा के रहने वाला हूँ, यहाँ का नहीं कबरई का, आपको देख के आया हूँ मैं। अच्छा आप ये बताइए, आपके विधायक जो है यहाँ के, तो उन्होंने कोई काम किया है लगता है? चंद्रगोपाल साहू जी, उन्होंने महोबा में पाइप लाइन डलवाई है। यहाँ जो विधायक अभी है बीजेपी का, कुछ नहीं बता, क्षेत्र में आते हैं कभी? कभी कुछ नहीं, एक तो वो क्या बोलते हैं बाईपास पास करवाइए, जहाँ कुत्ता भी नहीं जाता है वो भी नहीं। गरीबों के लिए अगर चाहिए तो सपा की सरकार चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, अरे आप लोग भैया यूपी में अंडा राज नहीं चलेगा, अनपढ़ों का राज नहीं चलेगा, क्या लगता है आपको इस बार? बदलाव, क्या नाम है आपका? अमित पाल। अच्छा ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, विकास किया है, मायावती कह रहे हैं हमारे कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी रही, और अब एक और उन्होंने कह दिया युवाओं को रोजगार देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और बेटियों को स्कूटी देंगे, टैबलेट देंगे, 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो इसके क्या लगता है? अब आप कह रहे हैं सपा के तीन में से कोई एक को देखिए, इनमें से भी कोई देखिए, यही 5 साल कहाँ पे चला? अच्छा योगी जी ने 5 साल में क्या किया, युवाओं के लिए बताइए, कोई सर्विस, एक नौकरी दी हो किसी युवा को? आप ये बताइए, कितने पेपर निकाले ऑनलाइन आपने, कहा भी पारदर्शी व्यवस्था करवाई विद्यार्थियों की, वो भी लीक करवा दिए, मंत्री के लड़के ने लीक कर दिए, बच्चे पेट्रोल इतना डीजल कितना महंगा, बच्चे सब डलवा के बेरोजगार हैं तो भी पेपर देने जा रहे हैं, पब्लिक आ रही है, और यहाँ पर पेट्रोल इतना महंगा, बच्चे जाते हैं सुबह से ठंड में, पेपर लीक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में कहीं कुछ होता है, कितनी घटनाएं होती हैं उनके साथ। भैया क्या नाम है आपका? धनीराम श्रीवास। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? विवेक नगर कबरई। ये बताइए इस बार क्या लगता है आपको? इस बार ये लगता है कि साहब इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए अपने उत्तर प्रदेश की। ये काम तो कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत काम किया है, काम कौन सा किया है? आपके यहाँ कोई रोजगार या विकास के काम हुए हैं? कोई रोजगार विकास का काम नहीं हुआ, जो भी रोजगार के सारे बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, रोजगार में दिए नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिला था। विकास के कोई काम हुए हैं? कोई विकास का काम नहीं हुआ है, जो पिछले वाले कार थे वही वाले। आपके जो यहाँ विधायक है स्थानीय, अभी वो कोई काम किया है आपके? आज तक विधायक को हमने ये भी नहीं देख पाया कि विधायक कौन है हमारे यहाँ। ये बहुत सही, नहीं देखा, इस सकल नहीं देखी किसी ने, ये नहीं था। बदला होगा, हमारी सरकार अपनी जो सपा की है, जिस समय हमें हर वक्त जिस वक्त जरूरत पड़ती थी हर वक्त हमारे सामने आते थे, और हमारा कार्य हर प्रयास में वो हर संभव करते थे। बोलो जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोगों से बात की, युवाओं से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की, और कुछ ज़्यादातर लोगों का यहाँ कहना है कि बदलाव होगा, सपा आएगी, चूँकि इसका एक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण लोग कुछ लोग बता रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। इसके अलावा जो सरकार की खनन नीति है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ का स्थानीय जो युवा हो या बुज़ुर्ग हो या नौजवान हो, जो भी हो, वो एक उनके मन में आक्रोश है कि इतनी बड़ी पत्थर उद्योग की कबरई मंडी
और आज बर्बाद हो चुकी है। करीब यहाँ 400 साढ़े 400 के लगभग क्रेशर प्लांट लगे थे और कई पहाड़ चलते थे, लेकिन गलत खनन नीति के कारण लोगों का ऐसा कहना है कि पूरी तरह से मंडी बर्बाद हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में वर्तमान सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। अब आने वाले चुनावों का क्या परिणाम होगा, चंद दिनों बाद 10 मार्च को क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ, इन सभी तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।